वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक मुश्किलों का पहाड़ वोडाफोन आइडिया पर टूटता जा रहा है। पूरी खबर क्या है, आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वोडाफोन और आइडिया ने जब आपस में विलय किया था तो वह देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने वोडाफोन आइडिया को कॉम्पिटिशन में पीछे छोड़ दिया और फिर वोडाफोन आइडिया की हालत खराब से खराब होती चली गई। वोडाफोन आइडिया के कर्ज और सरकार से जुड़े स्पेक्ट्रम बकाए में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। अब जो खबर आ रही है वह यह है कि वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू मार्केट शेयर ऑल टाइम लो पर आ गया है। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया को 22 सर्कल्स में से 16 सर्कल्स में बड़ा नुकसान हुआ है। आपको संक्षेप में बता देते हैं कि रेवेन्यू मार्केट शेयर आखिर होता क्या है। रेवेन्यू मार्केट शेयर यानी कि RMSI के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जो पूरे टेलीकॉम मार्केट में लीडरशिप को दर्शाता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI ने इस डेटा को जारी किया है। ट्राई का कहना है कि वोडाफोन आइडिया लगातार अपने प्रतिद्वंदी जियो और एयरटेल से टक्कर देने में विफल रही है। जहां वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू मार्केट शेयर ऑल टाइम लो पर है, वहीं जियो और एयरटेल को शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में मजबूत रेवेन्यू मिला है। वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू मार्केट 44 बेसिस पॉइंट गिरकर 15% पर पहुंच गया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू मार्केट शेयर उन जगहों पर गिरा है जहां कंपनी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। वहीं जियो का रेवेन्यू मार्केट 60 बेसिस पॉइंट बढ़कर 42.7% हो गया है, जबकि एयरटेल का रेवेन्यू मार्केट 39 बेसिस पॉइंट बढ़कर 38.3% हो गया है। वर्तमान समय में ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें तो एयरटेल का ARPU 211 रुपये, जियो का ARPU 182 रुपये, वहीं वोडाफोन आइडिया का ARPU 146 रुपये पहुँच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वोडाफोन आइडिया को अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 24,000 करोड़ रुपए की इक्विटी फंड जुटाने के बाद कंपनी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इससे वोडाफोन आइडिया अपने 4G कवरेज का विस्तार साथ ही साथ 5G सर्विसेज भी लॉन्च कर सकती है। लेकिन इस तिमाही में वोडाफोन आइडिया को तगड़ा झटका लग गया है, तो क्या आने वाले वक्त में वोडाफोन आइडिया की हालत सुधरेगी, ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल आप वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।